अनलॉक वन के साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जो है लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, क्लाइंट्स यहां आ रहे हैं और वकील यहां आ रहे हैं। हालांकि अभी कोर्ट्स पूरी तरह से नहीं खुली है, लेकिन वकीलों को और क्लाइंट्स को यहां आने के लिए परमिशन दी गई है और आज पहले दिन ही यहां देखा जा सकता किस तरह भीड़ है और किस तरह जो है आवाजाही शुरू हो गई है। और इससे निश्चित तौर से एक देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसा जो नॉर्म्स हैं या सैनिटाइजर्स की जो बात कही जा रही है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। मैडम, ये आज से थोड़ा सा जो परमिशन है यहाँ देखा जा रहा है, क्लाइंट वगैरह काफी संख्या में दिख रहे हैं। हाँ। आप लोगों को क्या क्या परमिशन मिली है? नहीं, हाँ, परमिशन तो हमको शुरू से अभी तक ही मिल रही थी और दो कोर्ट इन्होंने सुपुर्दी नामे की स्टार्ट कर दी, इस कारण भीड़ ज्यादा हो गई है। अच्छा, और कोई बात नहीं, बाकी एडीजे कोर्ट और जेएमएफसी कोर्ट तो पहले से ही लग रही थी। इसमें आपको लग रहा है कि जो है अभी जिस तरह से कोरोना का भयावह है, स्थिति है, संक्रमण है, मौतें भी हो रही है, ऐसे में ये जो क्राउड बढ़ेगी इसमें पालन मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा पालन तो। फिर क्या है? अब ये है कि डिस्टेंस से काम कर रहे हैं हम वकील लोग और पक्षकार को बाहर रखा हुआ है हम लोगों ने, और जमानतदार जब जाते हैं, जब उनकी पर्ची जो है ना, वो पर्ची आती है वहां से लिख करके, सील लगी रहती जज की, और वो काउंटर पे आते हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने देते हैं। जमानत तस्दीक है, रिस्क नहीं, डिस्टेंस से काम हो रहा, अंदर रिस्क नहीं है, बाहर, हाँ बाहर रिस्क है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर सकता है। हाँ, जब कोर्ट रेगुलर कोर्ट खुलेगी तो प्रभावित करेगा ना। अभी भी ये क्लाइंट साहब से मिलेंगे अंदर? नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे, हम तो ऐसे ही चाह रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहे बात से। ये जो है अभी वकील भी डरे हुए हैं और इनका सबका यही कहना है कि अभी निश्चित तौर से नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, डर बना हुआ है और भयावह स्थिति नाले, इसको लेकर हम यहाँ क्लाइंट से भी थोड़ा बात कर सकते हैं। आप लोग यहाँ अदालत आए हैं? जी। क्या? सर वो गाड़ी के लिए आए हैं, गाड़ी छुड़वाना है। ये जैसे क्राउड है यहाँ पे, कोरोना का डर लगता है अभी भी? हाँ, वो तो लगता है कि काफी क्या है, लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। लोग क्या एक दूसरे से फ्रेंडशिप है या फैमिलीज में, तो लोग ऐसे एकदम चिपक चिपक के खड़े हो रहे हैं, उनको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ऐसा संभव नहीं हो रहा है? लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे किसी को बोलना चाहिए कि थोड़ा दूर दूर रहे, क्योंकि क्या वकील जो है ना वो फिर भी बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा दूर खड़े हो, फिर भी लोग बोल रहे हैं अरे हम तो एक ही घर के, हम तो एक ही घर के, तो बहुत पास में खड़े हो रहे हैं। ये जो व्यवहारिक स्थिति है वो सबके सामने है और ऐसे में जो है अब अनलॉक वन के साथ ही साथ कोरोना का भी अनलॉक वन अगर कहा जाए तो विकराल रूप ले सकता है और ऐसे में निश्चित तौर से भोपाल जो पहले से रेड जोन में था और यहाँ पर भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।